गोरखपुर के कृष्णा होटल में चंद पुलिस वालों की करतूत ने पूरे महकमे को शर्मसार कर दिया है। भदपिटी तो होटल में आला अधिकारियों की कदमताल शुरू हो गई। एडीजी जोन अनिल कुमार होटल के कमरा नंबर 512 की जांच करने खुद पहुंचे और दावा किया कि इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि निष्पक्ष जांच 100% होगी और जो सही है उसी के आधार पर कार्रवाई होगी, और अगर इनमें से जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे पुलिसकर्मियों उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। गोरख पुलिसियाई कांड के खलनायक के तौर पर जिसका नाम सामने आया है वो है रामगढ़ ताल का थानेदार जगत नारायण सिंह। इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह को गोरखपुर के लोग नगद नारायण सिंह के नाम से भी जानते हैं। अपने काले कारनामों की वजह से ये इंस्पेक्टर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का हिट डायलॉग है, ओ मिस्टर आई एम इंस्पेक्टर हु आर यू। ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का नाम पहली बार किसी की हत्या में सामने आया है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इससे पहले भी दो हत्याओं में इंस्पेक्टर जे एन सिंह का नाम सामने आ चुका है। गोरखपुर के बांसगांव में 7 नवंबर 2020 को शुभम नाम के एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत का आरोप लगा था। उस वक्त जे एन सिंह ही बांसगांव का इंस्पेक्टर था। पिछले 13 अगस्त को रामगढ़ ताल पुलिस कस्टडी में 20 वर्षीय गौतम सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इस मामले में भी जे एन सिंह पर आरोप लगे थे। अब गोरखपुर कांड के बाद जे एन सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी हो रही है कि इंस्पेक्टर की हमेशा कमाई वाले थाने में ही नियुक्ति होती है। लोग इस थानेदार को हैवान बता रहे हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाने में तैनात इंस्पेक्टर जेएन सिंह के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। जेएन सिंह को जानने वालों में से ज्यादातर के मोबाइल फोन में उनका नाम नगद नारायण से ही सेव है, इसी नाम से वो मशहूर भी है। पुलिस वालों से इंस्पेक्टर जेएन सिंह कोडवर्ड में ही बात करता था। वो पैसों को वांछित करता था और उसका डायलॉग था, मैं वांछित के बगैर कोई काम नहीं करता। जेएन सिंह को आउट ऑफ प्रमोशन भी मिलता था जिसके चलते वो सिपाही से इंस्पेक्टर बना था। इसको लेकर भी वो अक्सर डींगे हाँकता था। इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह उर्फ नगद नारायण सिंह का एक और हिट डायलॉग पूरे गोरखपुर में मशहूर था, मुझे कोई सिफारिश न करना, मैं बिना वांछित के कोई काम नहीं करता। वांछित का मतलब है रुपया, और मेरे जैसे इंस्पेक्टर जिले में सिर्फ दो लोगों की बातें सुनता है, बाकी किसी की नहीं। बड़े बड़े नेताओं का तो सुझाकर गुब्बारा बना दिया हूँ, ऐसे ही इंस्पेक्टर नहीं बना हूँ। घाट घाट का पानी पीकर सिपाही से आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिला है। कानपुर के कारोबारी की हत्या के बाद जेएन सिंह के पापों का घड़ा भी शायद भर गया, तभी उसका नाम सुर्खियों में छाया है। सवाल ये है कि जेएन सिंह के सिर पर किसका हाथ है जो उसने घाट घाट का पानी पीकर सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का सफर तय किया। उसकी वर्दी पर दाग ही दाग हैं, फिर भी उसे अहम थानों का इंचार्ज कैसे बना दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि जेएन सिंह आखिर कहां छुपा है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।